यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी क्लास चल रही है रीजनिंग की, वो चल रही है, प्लस जीके की चल रही है, और हिंदी की क्लास भी साथ साथ चल रही है। तो आज अपनी 16 नंबर क्लास है, तो इसमें कुछ हम उदाहरण देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड या फिर अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की जो वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन, जिसमें क्या है कि जैसे कोई अक्षर बता दिया कि इससे बाएं से चौथा अक्षर क्या है, इसके बाएं से दूसरा अक्षर क्या है, ये करके ऐसा करके हमें क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या रूल है वो सब देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के, मैं पूरा लिख के बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से या फिर दाएं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर, ये पूरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काउंट करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दाईं बाएं में दाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा है। अब देखो कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दाएं बाएं में कई कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिन जो रीजनिंग में नए नए हैं उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो पहले ABCD पूरी लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये पूरी वर्णमाला लिख ली अपन ने। अब देखो कैसे करना है, इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से 18वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये कैसे करना है वो देखो, दाएं ओर कौन सी लेनी है, तो आप जल्दी से पहले कमेंट में जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए कि क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। ये आप काउंट करके कोशिश करें कि कौन आपके लिए आंसर कौन सा आ रहा है, आप टाइप कर दें क्या आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है ऐसे जेड के बीच में आपका आंसर, वो आप काउंट करके टाइप कर दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, आपके हिसाब से कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें कि 18वें अक्षर के दाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलो देखो कैसे गिनते हैं। अब क्या है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं वो दाईं ओर इस साइड से ले लेते हैं, ठीक है, दाईं ओर इस साइड से ले लेते हैं, जबकि दाईं ओर इस साइड से होगी, ठीक है। अपने को पेज के हिसाब से नहीं देखना है, अपने को इस हिसाब से देखना है कि जो अपन जिस दिशा में मुंह करके बैठे हैं उसी हिसाब से दाईं ओर कौन सा होगा। जैसे कि क्या है, जैसे मेरे ये सामने है जो लैपटॉप है, अभी मेरे सामने पड़ा है, तो ये क्या है दाईं, मेरा दाईं दाएं हाथ क्या इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड इस साइड है, ठीक है। तो अपन जिस साइड बैठे हैं उसी हिसाब से अपने को अनुमान लगाना है, ना कि हमें उल्टा लेके चलना है कि अपना लेफ्ट लैपटॉप का लेफ्ट इस साइड होगा और अपना राइट इस साइड है तो लैपटॉप का राइट इस साइड होगा, ऐसे लेके नहीं चलना है। जो अपना राइट है यानी अपन जिस दिशा में मुंह करके बैठे हैं उसी दिशा में राइट मानना है, ठीक है। तो अब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे आपके सामने कॉपी है या किताब है या फिर फोन है, तो आपका दायां कौन सा होगा, इस साइड से होगा, जेड की साइड से, ठीक है, जेड की साइड से आपका दायां होगा। यहाँ पर जो रूल है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे ये दायां हो गया और आगे देखो यहाँ 18वां अक्षर, दाईं ओर से 18वां अक्षर, और उसके बाद में जो यहाँ पर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां कैसे निकालना, वो उल्टा सिस्टम है, तो कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अपना जो दाईं ओर से 18वां अक्षर यानी जेड की साइड से 18वां अक्षर गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, तो दाईं ओर से कौन सा हो गया, देखो दोबारा गिनते हैं, दाईं ओर से 18वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो दाईं ओर से जो अक्षर है 18वां अक्षर वो क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, दाईं ओर से 18वां अक्षर। एक बार फिर आप स्क्रीन पर गिनने की कोशिश करें 18वां अक्षर, अगर बाईं ओर से 18वां पूछते तो इस साइड से 18वां होता, ठीक है, लेकिन दाईं ओर से 18वां पूछा है तो इस साइड से होगा। देखो यहाँ से गिनेंगे दाईं ओर से 18 तो क्या हो गया, 18वां अक्षर आया आई, ठीक है, आई है वो क्या हो गया, 18वां अक्षर हो गया। अब क्या पूछा, वो अगली लाइन में उल्टा होगा, अब पूछा कि दाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर का 7वां अक्षर क्या होगा,
तो दाई ओर के 18वें अक्षर के दाई ओर सातवां अक्षर। अब क्या कई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और सातवां अक्षर इस साइड ही गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से ये सातवां अक्षर क्या है बी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आपको उल्टा लेना है, यानी कि अगर पूरी वर्णमाला के बोले तब तो आपको जो आपकी साइड का ही लेना है, यानी आप देख रहे हो उसी साइड का दायां लेना है जेड की तरफ से, और जब किसी अक्षर के दायीं ओर पूछ ले तो ये मान लो कि उसकी जगह आप बैठे हो इस साइड मुंह करके सामने और वापस चलना है अपने को, यानी दायीं ओर से। अगर ऐसे होता कि 18वें अक्षर के दायीं ओर सातवां, तो क्या होगा वापस चलना होगा, और यहाँ पर ऐसा लिखा होता 18वें अंग्रेजी वर्णमाला के दायीं ओर के 18वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, यहाँ पर अगर बाईं ओर होता तब क्या इस साइड चलते, लेकिन अभी क्या अपने को वापस जाना होगा, दाईं ओर है तो दाईं ओर वापस जाना होगा, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल और भी बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि नए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो आई कितना है 18वां दाईं ओर से, अब इसके सातवां दाईं ओर, इसके दाईं ओर सातवां, यानी इस साइड वापस जाना है अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सातवां कौन सा हो गया पी हो गया, ठीक है, सातवां कौन सा हो गया पी हो गया, तो इसका आंसर होगा वो होगा पी, ये सातवां है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है पी, इसका राइट आंसर होगा कैसे होगा कि दाईं ओर से 18वां अक्षर, तो दाईं ओर से 18वां अक्षर यानी कि इस साइड से 18वां अक्षर आया आई, आई के दाईं ओर सातवां, तो वापस चलना है अपने को, ठीक है, आई के दाईं ओर सातवां यानी वापस चलना है, तो इस साइड वापस चलना है। अगर दाईं की ओर यहां पर बाईं होता तो वापस ना चल के इस साइड चलते, ठीक है, और यहां पर अगर बाया होता, यहां पर बाया होता और यहां भी बाया होता, तो क्या होता है इस साइड से चलते 18वें पर और फिर वापस इसी साइड चल जाते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं तो वापस चलते हैं, और दोनों अलग अलग हों तो दूर चलते हैं, तो इस हिसाब से होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा सा और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, जो नीला नीला पूरा, आगे एक सेम यही क्वेश्चन रखेंगे और आगे देखेंगे कि किस हिसाब से चेंज करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल, एकदम डिटेल से आपको बताया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारा दूसरा चैनल है पीटीटी 2021 टिप्स नाम से, जिसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आप देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाईवें स्थान तथा दाएं से 21वें स्थान के बीच कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पूरा ही क्लियर कर देता हूं मैं, क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के लिए ये क्वेश्चन भी कि बाएं से 22वें तथा दाएं से, आप शेयर जरूर करें, जितना सपोर्ट करेंगे आप उतना ही ज्यादा क्या है क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि क्या है क्लास को थोड़े से कम व्यू आते हैं और जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है उनको ज़्यादा व्यू आते हैं, तो आप क्लास को भी व्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी पीटीटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाएं से 22वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आता है, ठीक है, ये इनके क्या फॉर्मूले के हिसाब से करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो आप ऐसे पूरी जो है वर्णमाला लिख के करोगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, गलत होने के कम चांस रहेंगे, ठीक है। बीच कौन सा अक्षर आता है, ठीक है, ये कौन सा अक्षर है, अब देखो कैसे करना है, ये कैसे करना है, एबीसीडी लिख लेते हैं एक बार फिर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाएं से 22वां, तो बाएं से 22वां यानी कि इस साइड से 22वां, तो इस साइड से 22वां कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो बाएं से 22वां कौन सा हो गया वी हो गया, ठीक है, 22वां, बाएं से 22वां कौन सा हो गया वी हो गया। अब दाएं से 21वां यानी इस साइड से 21वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये क्या हो गया एफ हो गया, यानी इस साइड से 21वां अक्षर कौन सा हो गया एफ हो गया। अब देखो इनके बीच में अक्षर पूछा है कि इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो एफ और वी के एकदम बीच में देखो, यहां से एक काटा, यहां से एक काट दो, इस साइड एक काटा, इस साइड भी एक काट दो, यानी एकदम बीच में होना चाहिए, इस साइड से एक काटा, इस साइड से एक काट दिया, यहाँ से एक काटा, एक काटा, एक एक एक
एक एक एक, तो कौन सा बच गया, एन। तो इसका आंसर क्या होगा, एन होगा, यानी बाएं से 22वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के बीच में एन आएगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षरों की श्रृंखला के मध्य अक्षर के बाईं ओर के तीसरे अक्षर का दाहिने छठे अक्षर कौन सा होगा, इस हिसाब के कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या है, थोड़ी सी क्या है, समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, अब एक जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, वर्णमाला से रिलेटेड है, कि शब्द कोस मो पोलिटन। ठीक है, ये एक शब्द है। अब ऐसा शब्द दे देते हैं, कोई भी शब्द दे देते हैं और कह देते हैं कि इसके दूसरे, ठीक है, इसके दूसरे तीसरे और चौथे कोई भी दे देते हैं, और छठे दसवें ग्यारहवें और बारहवें, ये अक्षर है जो इसके, देखो ये अक्षर कितने समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर है। तो ये दे देते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे छठे दसवें ग्यारहवें और बारहवें अक्षर से अगर कोई सार्थक शब्द बनता है, ठीक है, कोई सार्थक शब्द बनता है तो एक सार्थक शब्द बनाकर उसके मध्य वाला अक्षर लिखें। अब देखो, देखते हैं कि कौन सा सार्थक शब्द बनता है या नहीं बनता। ऐसे कोई भी शब्द दे देते हैं और वो कह देते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे, तीन भी दे देते हैं कई बार, छठे दसवें ग्यारहवें बारहवें अक्षर से अगर कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसका मध्य अक्षर क्या होगा। तो अब देखो, दूसरा अक्षर क्या होगा, ये तो ओ, तीसरा क्या हो गया एस, चौथा क्या हो गया एम, ठीक है, छठा क्या हो गया पी, ठीक है, फिर 7 8 9 10वां क्या हो गया टी, 11वां ए हो गया, 12वां एन हो गया। ठीक है, ये अक्षर हो गए। तो इनसे कोई भी क्या देखे, कोई भी क्या सार्थक शब्द बनता है, यानी कि जिसका अर्थ हो, तो इनसे देखो क्या बन सकता है, पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन बन रहा है। देखो पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन। तो इसके बीच का अक्षर पूछा है, तो ये तीन इसको इस साइड, तीन इस साइड छोड़ दो तो टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टी इसका मध्य अक्षर हो जाएगा, या फिर मध्य, अगर ऐसे पूछ ले कि दूसरा अक्षर कौन सा होगा तो ओ होगा। ठीक है, दाएं से दूसरा पूछ ले तो ए होगा। तो इस हिसाब से क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले था, ताकि क्या है कि थोड़ा सा परेशानी ना हो आपको समझने में। ठीक है, अगर अगर ऐसे पूछ ले कि किसी वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वें अक्षर के, ठीक है, 15वें अक्षर के बाईं ओर के 15वें अक्षर के दाईं ओर छठा, ठीक है, या फिर पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इसमें उसमें क्या था, दाईं दाईं था, इसमें क्या है, बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर पांचवा कौन सा है, तो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आज इतने क्वेश्चन करेंगे। तो ABCD लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो, बाईं ओर से 15वां, बाईं ओर से 15वां कौन सा होगा, बाईं ओर से 15वां होगा इस साइड से 15वां, बाईं ओर से 15वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ओ, ठीक है, ओ, तो ओ क्या हो गया, बाईं ओर से 15वां हो गया। अब इसके दाईं ओर पांचवा पूछा है, ठीक है, इसके दाईं ओर पांचवा पूछे, तो आप बताओ कौन सा होगा इसके दाईं ओर पांचवा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेम हो तो जिस साइड से आए उसी साइड, अगर यहां पर ऐसे ही कर लेते कि बाईं ओर से पांचवां तो वापस क्या इसी साइड चलते, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है कि दाईं ओर से, बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर, यानी कि उल्टा पूछा है तो आगे ही चलते जाएंगे। तो पांचवां देखो, 1 2 3 4 5, तो टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पांच, अगर यहां पर यही सेम क्वेश्चन होता कि बाईं ओर से पांचवा बताओ, तो बाईं ओर से पांचवा बताते हैं तो ओ के वापस पांच पीछे चलते, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता जे हो जाता, यानी कि दोनों सेम हो तो वापस चलते हैं। ठीक है, अगर दाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, पहले क्वेश्चन में, कि दाएं से जो कुछ दाएं से था 18वां, उसी के वापस चले थे, क्योंकि वापस दायां दिया हुआ था। अभी अगर बायां बायां दिया होता तो इस साइड से आते और इसी साइड वापस चले जाते, लेकिन क्या दिया हुआ है, बाईं से दाएं जा रहे हैं तो वापस इसी साइड में चले
चलेंगे। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन शायद समझ में आए होंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बने रहें जीवा स्टडी के साथ। आपको ऐसे ही क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।